दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इज्जू की लाइफ में। मैं इस चैनल को इज्जू की लाइफ करने वाला हूं, इसलिए मैं बोला इज्जू की लाइफ में। आज मैं पूरे फुल देसी स्टाइल में, आप देख सकते हैं ये है हमारा देसी स्टाइल। और साथ में है हमारे साथ है बंसी, इसे बंसी कहा जाता है। मैं दिखाऊंगा इसको पूरा फुल खोल कर। और इस साथ में एक डब्बा मैं लिया हूँ, इसमें के अंदर एक चेरा बोलते हैं केचुआ, उसको मिट्टी के अंदर से निकाल कर और इस डब्बे में रखूंगा। और फिर मछली कैसे फंसाया जाता है देसी स्टाइल में, मैं वो बताने वाला हूँ कुछ ही देर में। मीन्स मैं अभी जस्ट जाऊंगा अभी मछली के तालाब में और वहाँ मछली कुछ निकालूंगा। पूरे फुल देसी स्टाइल में आज का ये वीडियो रहेगा। तो हमारे साथ हैं हमारे गाँव के दोस्त जौहर खान, जो इंजीनियर साहब हैं, और टाइम पास करने के लिए बहुत कम मौका मिलता है ऐसा जो है। और दूसरा एक और सलीम भाई देख सकते हैं आगे चले जा रहे हैं हमसे कुछ आगे, मगर वो बहुत, उनको बहुत मछली मारना आता है, मछली निकालना आता है, फंसाना आता है आप कह सकते हैं। वो कम से कम में तो 4-5-6 घंटे में 1.5 केजी मछली कई बार कंपटीशन जीत चुके हैं। गांव में सबसे ज्यादा नामी ग्रामी मछली मारने में एक्सपर्ट आदमी हमारे सलीम भाई। तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे फंसाया जाता है। तो ये हमारा बैकग्राउंड आप जो देख पा रहे हैं ये गांव का है, पीछे गांव। और मैं दिखाऊंगा, आगे से दिखाना चाहूंगा कि हमारा गाँव का फसल, धान का फसल कितना बड़ा हो चुका है। तो ये देख सकते हैं ये है हमारे गांव का धान वगैरह जो अभी फसल तैयार हो रहा है, कुछ ही दिनों में ये कटने का मौसम आ जाएगा। तो ये गांव के ये रास्ते से चलना बहुत मुश्किल होता है। हमारे इंजीनियर साहब का चप्पल फंस चुका है, तो ये बहुत ही मुश्किल से इस रास्ते से हम निकलते हुए, ये पूरा आपको पूरा चारों तरफ से ये हमारा गाँव का एरिया है, ये खेती का एरिया है। जैसा खेती, सभी लोग यहाँ के लोग ज़्यादातर खेती पे ध्यान देते हैं, बिजनेस बहुत कम लोग करते हैं। तो ये है, तो चलिए देखते हैं कैसे मछली फंसाया जाता है, किन रास्तों से हम गुजरते हैं। तो दोस्तों रास्ता ख़राब होने की वजह से चप्पल को हाथ में ले लिया गया है, बहुत मुश्किल होता है ये खेत में चल। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं गोवर्धन भगवान, इसको हम लोग के गाँव में सभी लोग गोवर्धन भगवान यहाँ का कहा जाता है। ये हमारे गांव का तीसरा पॉइंट है, यहां से लोग पैदल भी आते हैं। और ये रोड हमारे गांव में, जो अगर 4-व्हीलर 2-व्हीलर से जाना चाहता है रोड द्वारा, तो ये रोड चले जाती है हमारे गांव की तरफ। और ये देख सकते हैं ये रोड हमारे NH 98 को मिलाता है, जो पटना टू औरंगाबाद है। तो दोस्तों ये है नहर जिसमें से मछली आती है, ये ओनसोन डेहरी से आती है। और इस तरफ आप जब देख पाएंगे तो ये चले जाएगी डायरेक्ट पटना गंगा में चले जाएगी। और ये है पुल जो हम हमेशा गुजरते हैं आने जाने में। तो ये नहर बहुत बहुत ही काम की चीज़ है, ये नहर जो आप देख पा रहे हैं, ये फुल ये अपना डेहरी ओन सोन से लेकर गंगा तक, जो फुलवारी गंगा मिलती है पटना में जाकर, ये किसानों के लिए समझिए एक मसीहा है। हमेशा जब ज़रूरत पड़ती है धानों में पानी, इसी नहर से पानी लिया जाता है, पटाया जाता है, बहुत ही काम की चीज़ आप कह सकते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो ये देख सकते हैं कि इंजॉय करने का आप मज़ा ही कुछ और है, ये देख सकते हैं मज़ा आता है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं है, आप तैरना जानते हैं अगर हल्का फुल्का, तो आप इसके अंदर कूद कर नहा सकते हैं। गांव का मज़ा ही कुछ और है इंजॉय करने का, बहुत ही मज़ा आता है। अगर कोई पर्व त्यौहार भी होता है पानियों का, जैसे छठ पूजा जो हमारे बिहार का मशहूर है, तो इसी, वो आप देख पा रहे हैं कुछ दूर में जो घाट बोलते हैं ताकि नहर में उतर सकें, ये आप देख पा रहे हैं जो ये जल ढारने के लिए यहाँ पे जब छठ पूजा होता है तो वहाँ पे, यहीं पे लोग आकर अपना पूजा पाठ जो भी करना होता है करते हैं। तो ये सामने जो आप रोड देख पा रहे हैं अभी, कोई गाड़ी गुजरेगी तो समझ में आए, जो नेशनल हाईवे NH 98 है पटना टू औरंगाबाद। और मैं अब जो मछली का शिकार करूंगा, तो उसके इन केचुओं से फंसाया जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने पहले भी दिखाया था कि एक डब्बा हमने भी लिया, ये हमारे सलीम भाई ने भी डब्बा लिया है। केचुआ निकालना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि केचुआ से हम लोग फंसाते हैं उसके जाल में, वो केचुआ खाने आता है और उसमें फंस जाती है। जैसा कि आप जानते हैं केचुआ हल्के गीले मिट्टी में मिलता है, हल्का गीला हल्का सूखा, ज़्यादा गीले मिट्टी में केचुआ नहीं पाया जाता। और जैसा कि आप देख रहे हैं सलीम भाई जो कि केचुआ मछली के साथ साथ केचुआ पकड़ने में भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं। देखिए अभी कुछ ही देर हुआ है, करीब 2 से 4 छह लगाए होंगे ये अपने खंती से, और करीब 30 से 40 केचुआ पकड़ चुके हैं ये, जो कि ये केचुआ जो
मछली पकड़ने में बहुत ही काम आता है। बात नहीं भी करता क्या इतने करे छोटका छोटका। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं जहां पे मछली मिलती है। तो ये इस तरह से फंसाया जाता है केचुए को बंसी के अंदर, और उसके बाद ये देखिए ये डाला गया। तो ये है हमारे सलीम भाई जो एक्सपर्ट, और उधर आप देख सकते हैं दो लोग और जो जौहर खान और अनवारुल अंसारी। तो मैं भी कुछ ट्राई करता हूँ। तो दोस्तों हम भी बंसी डाल चुके हैं, ये देख सकते हैं। ये अगर ये लकड़ी जो आप देख पा रहे हैं ये अगर अंदर की ओर जाती है तो मछली समझिए कि वो खा गई है आपका केचुआ, और वो खींच कर लेके जाती है। तो हम पूरे फुल स्टाइल में हैं, देसी स्टाइल में, जो मैं दिखाना चाहूँगा। हम पूरे देसी स्टाइल में, बहुत कड़क धूप भी है, और ये देख सकते हैं सभी लाइन से लगे हुए हैं। मज़ा आता है ये मछली मारने का, इस तरह का अंदाज़ जो है बहुत ही मज़ा आता है। जब आपकी जो बंसी के अंदर खाने के बाद वो मछली जब अंदर लेके जाती है ना, तो उसके इंटरेस्टिंग बात होती है, जब बहुत दिल खुश होता है। तो दोस्तों जब मछली अंदर फंस जाती है तो ये देख सकते हैं कि जब इस तरह से होगा तो समझिए कि आपको मछली अंदर खा ली है आपका केचुआ। खींचो 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 खींचो, ये देख सकते हैं ये मछली फंस गई बंसी के अंदर। ये है मछली जिसको हमारे भाषा में इसको गरई बोला जाता है, इस मछली को। तो इसी तरह से फंसता है, और देखते हैं कितना फंसता है हम लोग का दिन भर में आज। तो दोस्तों हमने भी एक फंसा लिया है, देख सकते हैं ये इस तरह से ये फंसती है, एक छोटा सा चीज़। मज़ा आता है इसको ऐसा निकालने में, ये देख सकते हैं। इधर लेके आ जाओ नज़दीक, ये देख सकते हैं इस तरह से ये खा लेती है। समझ लीजिए इसकी जान ले लेते हैं हम लोग। इस तरह से ये निकल गई, ये केचुआ अभी भी आधा बाकी है, और ये अभी अगर चलाएंगे तो चलेगी भी, ये देख सकते हैं। चल पाउस कर दे। तो ये देख सकते हैं ये दूसरा आया है, बहुत कष्ट करने के बाद ये मछली आ पा रही है यार, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। वो छोटा पोठिया बोलते हैं हमारे इस भाषा में, वो पोठिया बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और बड़ी मछली नहीं आ पा रही है। और वहाँ भी मैं फटाफट दिखाना चाहूँगा, इसलिए कि अब दूसरा भी तैयार है, उधर लेके जा रही है तो उधर भी खींचना ज़रूरी है। तो ये देख सकते हैं बहुत प्यारी मछली है, दिख रहा होगा आपको, बहुत मज़ा आता है। तो चलिए देखते हैं, और तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये मछली, हम लोग ने लगभग एक से डेढ़ घंटे में इतना मछली निकाला है। मेरे पास है लगभग 6 से 7 मछली, और सभी के पास इसी तरह झोली है, सभी लोग इसी तरह से झोली में अपना अपना मछली लेके जाते हैं। ये देख सकते हैं झोली के अंदर ये मछली दिख रहा होगा आप लोगों को। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।